देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। कोरोना से निपटने के लिए वैज्ञानिक लगातार वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली है। इसी क्रम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में कोरोना की नई वैक्सीन के परीक्षण की तैयारी शुरू हो गई है। पहला डोज 16 नवंबर को दिया जाएगा। ICMR और भारत बायोटेक के द्वारा तैयार वैक्सीन के मानव परीक्षण के दो चरण की समाप्ति के बाद नए वैक्सीन के लिए यह तैयारी चल रही है। ई बायोलॉजिकल की ओर से तैयार COVID-19 के वैक्सीन के परीक्षण का फर्स्ट फेज 16 नवंबर से एम्स पटना में शुरू होगा। इसके लिए एम्स पटना ने मोबाइल नंबर जारी किया है, जिस पर फोन कर या फिर आधार कार्ड की फोटोकॉपी भेजकर वॉलंटियर वैक्सीन परीक्षण का हिस्सा बन सकते हैं। इस संबंध में डॉक्टर CM सिंह ने बताया कि ई बायोलॉजिकल वैक्सीन के फर्स्ट फेज में 12 से 18 वॉलंटियर पर वैक्सीन का परीक्षण किया जाएगा। फर्स्ट फेज में 18 से 55 वर्ष के आयु के वर्ग के ही वॉलंटियर पर वैक्सीन का परीक्षण किया जाएगा। इच्छुक वॉलंटियर का पहले हेल्थ चेकअप कराया जाएगा, उसके बाद ही स्वस्थ रहने पर वैक्सीन का परीक्षण होगा। उन्होंने बताया कि डॉक्टर की टीम वैक्सीन परीक्षण कराने वाले वॉलंटियर की सेहत का पूरी तरह ख्याल रखेंगे। फर्स्ट फेज में वैक्सीन का 0.5 ml दिया जाएगा, इसके बाद वॉलंटियर को घर भेज दिया जाएगा। 28 दिनों बाद वॉलंटियर को वैक्सीन का दूसरा डोज दिया जाएगा। समय अवधि पूरा होने पर इम्यूनिटी चेक कर सैंपल को शोध के लिए लेबोरेटरी में भेजा जाएगा। शोधकर्ताओं के विश्लेषण के बाद आगे की प्रक्रिया जारी रखी जाएगी।